फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में नाबालिग को गुमराह करके बलात्कार का मामला सामने आया है। दरअसल खरगोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डाबरिया के निवासी खुशियाल कनासे ने अपनी नाबालिग लड़की के गुम होने की सूचना खरगोन थाने पर दर्ज की थी, जिस पर थाना प्रभारी ललित सिंह डांगुर ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के निर्देश में टीम गठित करके आरोपी नीलेश पिता कैलाश को इंदौर से ढूंढ निकाला, जिसके चुंगल से नाबालिग लड़की को छुड़ा कर परिजनों को सौंप दिया है। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ललित सिंह डांगुर ने बताया कि आरोपी नीलेश ने शादीशुदा होने के बावजूद नाबालिग को गुमराह करके बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। इस पर बलात्कार की धारा सहित पास्को एक्ट का मामला पंजीबद्ध करके जेल भेजा है। नीलेश बारेला है, ये पहले से शादीशुदा है और इसकी रिश्तेदार बच्ची के यहाँ रहता था, आता जाता था। वो बहला फुसला के 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची का अपहरण करके ले गया, इंदौर में उसको रखा, उसके साथ गलत काम किया है और इसकी FIR हुई थी 363 के तहत। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके 376 पास्को एक्ट के तहत इसको कार्रवाई करके गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये कब की घटना है और कितने दिनों में? 31/10 की घटना है ये। पुलिस ने कितने दिनों में इसको गिरफ्तार करके? बस आज ही इसको गिरफ्तार किया है और अब न्यायालय पेश किया जा रहा है। इस तरह से हमने एक पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक अभियान चल रहा है और उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। 8 बच्चियों को हम लोग अब तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।